ओके बेटा, वन थिंग मोर, इफ यू विल टॉक अबाउट द रैमिंग पैटर्न, सो अभी रैमिंग पैटर्न को मैंने ऑलरेडी आपको उसमें फाइंड करना बताया है. सो यहाँ पे आप ए मेंशन करिए एंड देन बी, देन ए, देन अगेन. आप देखिए फायर, डिजायर, ये मैच कर रहा है ना, सो आप ए को ए से रिलेट कर सकते हैं. देन आईज, अभी क्या उसमें तो और फिर नहीं पता चल रहा है. वापस से देखिए, फिर से फायर आया तो यहाँ पे ए हो जाएगा. ट्वाइस और आईस ये मैच कर रहा है तो यहाँ पे बी मेंशन करिए. हेट, अगेन हेट और ग्रेट मैच कर रहा है और अगेन कोई दूसरा वर्ड हो चुका है तो यहाँ रैमिंग पैटर्न सी हो जाएगी. ओके, देन अगेन आईस आ रहा है तो आईस को हम कंसिडर किए थे बी के अकॉर्डिंग. एंड ग्रेट के लिए फिर से आप सी मेंशन करिए. एंड सफिस, ये भी आईस को कोरिलेट कर रहा है. सो द रैमिंग पैटर्न ऑल अबाउट दिस पोयम इज वॉट ए. आप यहाँ रैमिंग पैटर्न मेंशन कर सकते हैं. रामिंग पैटर्न, व्हाट ए, देन बी, ए बी ए ए, ए बी ए ए, देन बी सी, बी सी, बी सी, बी सी. इट्स वेरी स्मॉल ना, यू आर नॉट एबल टू सी. So I'm just telling you one more time. Anaphora को erase करते हैं because anaphora is much clear to you, very clear to you. Okay, so rhyming pattern I'm just writing again. A को mention करिए rhyming pattern में. A, then B, then A, then A, then again B, then again C, B, C and B. Okay, this is all about the ramming pattern. So कैसे ramming pattern करना, already मैंने बताया है कि don't be confused बेटा. So कैसे करना है, आप words के pronouncing को देखा करिए. Words कैसे pronounce कर रहा है, क्या sound आ रहा है इसका. Fire, desire, देखिए match कर रहा है ये. तो match करने की वजह से हम A B C D से start करते हैं और यहाँ A mention करेंगे, यहाँ A mention करेंगे. Like this, अगर ice को मैं आप pronounce करेंगे तो ice, then twice. आइस और ट्वाइस ये दोनों आते हैं तो बी भी यहाँ मेंशन कर देंगे और डिजायर और फायर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो ए मेंशन कर देंगे और फिर अगेन हेट और ग्रे ये दोनों मैच कर रहे हैं तो यहाँ पे सी लिख देंगे और आइस और सफेस ये दोनों मैच कर रहे हैं तो सी लिख देंगे. बस एक चीज, आफ्टर राइटिंग रैमिंग पैटर्न, जब राइटिंग पैटर्न को आप लिख लीजिए तो एक चीज और आप नोटिस किया करिए, इसको पूरा काउंट कर लिया करिए. काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कैसे पता चलता है, ये इतने लेटर्स यहाँ पे आने चाहिए जितने लाइन्स हैं. तो कभी कभी हम रैमिंग करते टाइम में ऐसा होता है कि हम एक रैमिंग भूल जाएंगे और अगर एक वर्ड यहाँ पे हम भूल गए तो मीन्स एक लाइन को मैंने सिंबलाइज नहीं किया. तो बेटा जब रैमिंग पैटर्न आप लिख लीजिए तो एक बार लाइन को भी काउंट कर लीजिए और यहाँ पे अपने लेटर्स को भी काउंट कर लीजिए. तो इससे आप बहुत बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि दैट आई हैव टेकन एवरी लाइन इन माय रैमिंग पैटर्न. इन फाइंडिंग आउट रैमिंग पैटर्न आई हैव टेकन ऑल द लाइन्स, कि मैंने रैमिंग पैटर्न फाइंड करने के लिए मैंने सारे लाइन्स लिए. ओके बेटा, सो यू जस्ट काउंट इट. इट इज जस्ट अ शॉर्ट सीक्रेट ट्रिक फॉर यू, शॉर्ट सीक्रेट कह सकते हो, शॉर्ट ट्रिक फॉर यू. ओके, दैट्स इट. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू सो मच.